सबसे पहले गूगल का होम पेज ओपन करना है। इस पर आपको टाइप करना है गेट इनटू पीसी, एंटर कर दीजिए। टाइप करते ही जो फर्स्ट वाला जो लिंक है इस पर आप क्लिक कर दीजिए, गेट इनटू पीसी डाउनलोड फ्री योर डिजायर्ड ऐप, इस पर क्लिक कर दीजिए। बस क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो सर्च बार है इस पर आपको विंडो 10 गेम एडिशन आपको टाइप करके गो में क्लिक कर दीजिए। जैसे गो में क्लिक कर देंगे यहाँ बहुत सारे रिजल्ट देखने को मिल जाएगा विंडो 10 गेमर एडिशन का। तो ये जो लेटेस्ट है जनवरी 2019, अभी इसी जनवरी को रिलीज हुआ है। तो ये जो मैं बहुत सारे कोई भी आपकी मर्जी कोई भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे जो लेटेस्ट अभी ये दो है जो ये ऊपर जनवरी 2019 और जो विंडो 10 गेमर एडिशन 2018। मैं आपको जो सेकेंड वाला जो लिंक है इसको डाउनलोड करके दिखाऊंगा, इसको इसको भी आप कर सकते हैं आपकी मर्जी। तो मैं इसको डाउनलोड करके दिखाऊंगा, इस लिंक पे आप क्लिक कर दीजिए। इस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरा उसका डिटेल आ जाएगा, डाउनलोड फुल सेटअप, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। ये देख लीजिए डाउनलोडिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया है। ये देख लीजिए वेबसाइट में 2.5 GB का डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया है। ये मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है तो इसलिए मैंने इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों गेमिंग एडिशन जो है आपका डाउनलोड हो गया है, बस इसको हम बूट पीडी एक बूटेबल पीडी बनाएंगे। तो बूटेबल पीडी बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी जो कि आपका पावर ISO है। ये देख लीजिए यहाँ पर पावर ISO, पावर ISO आराम से आप गूगल में जाइए और पावर ISO आप टाइप कर दीजिए, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद क्या करेंगे, इस पर आप टूल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका ये देख सकते हैं क्रिएट बूटेबल USB ड्राइव, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। ये देख लीजिए यहाँ पे इसका ये ओपन हो गया है। ओपन होने का यहाँ पर सोर्स इमेज फाइल मांगा, यहाँ पे सोर्स इमेज फाइल में आपने जो इमेज फाइल डाउनलोड किया था वो आप जाएंगे यहाँ पे डाउनलोड्स में, और यहाँ पे डाउनलोड्स में देखिए ये सोर्स ISO फाइल है, इस पर आप सेलेक्ट कर लेंगे और ओपन कर देंगे। ये सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद एक PD की जरूरत पड़ेगी जो कि आपका 8 GB तक चल जाएगा। तो आप 8 GB का आपका PD है अभी आप चल जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर 16 GB का PD लगा हुआ पहले से HP का, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है। ये सिलेक्ट हो गया है। सिलेक्ट होने के बाद क्या करेंगे, आप स्टार्ट कर देंगे। उससे पहले क्या करेंगे, फॉर्मेट कर देंगे PD को। PD को जैसे फॉर्मेट करेंगे अब यहाँ पे आपका ये शो करने लग जाएगा, उसके बाद आप स्टार्ट कर देंगे। मैंने पहले से बूटेबल पीडी बना के रखा है, इसको बूटेबल पीडी है। इस बूटेबल पीडी को इस लैपटॉप में इंसर्ट करेंगे पहले। ये देख लीजिए ये ओपन हो गया है पीडी। अब उसको ओपन होने के बाद इसको हम सिंपल से क्या करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे। इस तो जैसे रीस्टार्ट होगा उसके बाद क्या करना है, बूट की प्रेस करना है। इस डेल लैपटॉप का बूट की है वो F12 है। तो हर एक लैपटॉप का अलग अलग बूट की है। तो ये देख लीजिए, तो मैंने बूट की जैसे प्रेस किया तो वैसे आपका बूट मोड का विंडो ओपन हो गया। अब आपको सिंपल से क्या करना है, यहाँ पे USB स्टोरेज है इसको आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद उस पर एंटर कर दीजिए। तो जैसे ही एंटर करेंगे तो वैसे प्रोसेस होना शुरू हो गया है। ये देख लीजिए दोस्तों, ऐसे प्रोसेस होने के बाद ये ओपन हो गया है। तो विंडो 10 गेमर एडिशन इस तरह से दिखता है, इसका लुक भी बहुत प्यारा है, ऐसा रेड कलर का है। तो देख लीजिए ये विंडो ओपन हो गया। तो इसमें आपको सिंपल कुछ छेड़खानी कुछ नहीं करना है, बस आपको नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद आपको इंस्टॉल में क्लिक कर देना है। तो जैसे इंस्टॉल में क्लिक करें, जैसे ये सेटअप स्टार्टिंग करके ये सेटअप स्टार्ट हो जाता है। अब देख लीजिए जैसे सेटअप कंप्लीट हो जाता है तो इस तरह से आपका लाइसेंस टर्म ओपन हो जाता है। बस आपको क्या करना है, इसको एक्सेप्ट कर देना है और नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो ये आपका एक और आपका विच टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन डू यू वांट, आपको अपग्रेड तो करना नहीं है, बस सिंपल से आपको क्या है कस्टम इंस्टॉलेशन विंडो ओनली में क्लिक करना है। इसमें क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको अगर सिर्फ C ड्राइव को ही आपको अगर फॉर्मेट करना है, उसमें इंस्टॉल करना है, तो बिल्कुल ये जो पार्टीशन 2 में ये जो 97.3 GB, ये इस लैपटॉप का C ड्राइव है। तो मुझे इस यहीं पे इस विंडो 10 में 10 को इंस्टॉल करना है। तो मैंने इसको क्या कर दिया, इसमें क्लिक किया
और उसके बाद सीधा इसमें मैंने कर दिया है नेक्स्ट में। जैसे नेक्स्ट में करेंगे तो उसमें ओके कर दीजिएगा। तो ये देख लीजिए विंडो 10 गेमर एडिशन कॉपी विंडो फाइल स्टार्ट हो गया है। तो गेटिंग फाइल रेडी फॉर इंस्टॉलेशन ये स्टार्ट हो गया है। तो ये काफ़ी टाइम लेगा ये, तो इसलिए मैंने वीडियो को मैं पॉज कर दे रहा हूँ। ये देख ले दोस्तों ओपन हो गया है, इंस्टॉल हो गया है। ये देखिए कितनी बेहतरीन लुक है। विंडो 10 गेमर एडिशंस देख लीजिए, इसका पूरा आइकन चेंज हो गया है। दिस पीसी का आइकन देखिए कितना रेड कलर का बेहतरीन है। तो दिस पीसी को हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देख सकते हैं तो इसके आइकन्स देख लीजिए, ये सी ड्राइव है, देख लीजिए पूरा आइकन चेंज है, लुक कितना बढ़िया है। आपको ये वीडियो आपको पसंद आई तो बिल्कुल लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट्स करने का मत भूलिएगा। अगर इस वीडियो में आपका इस चैनल में आप नए हैं तो बिल्कुल आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा हर एक आने वाला टेक्नोलॉजी वीडियो आप तक पहुँच सके।